उदाहरण तीन, तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा झुककर पेड़ के पात से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। यह हिस्सा जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है। पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हल, पेड़ का टूटा हुआ भाग एसी है। दिया गया है कि टूटे सिरे के शीर्ष से पेड़ के पाद बिंदु की दूरी 6 मीटर है। समकोण, त्रिभुज ए बी सी में टैन 60 अंश बराबर, टैन का मान होता है टैन थीटा, लंब बटा आधार। तो लंब है हमारा बी सी और आधार है ए बी। टैन 60 अंश का मान होता है वर्गमूल 3 बराबर बी सी बटा 6। तिर्यक गुणा करेंगे हम, 6 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो बी सी का मान हमें प्राप्त होगा 6 वर्गमूल 3 मीटर। उसी तरह से पुनः हम समकोण समकोण त्रिभुज एबीसी में लेंगे साइन 60 अंश। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है बीसी और कर्ण है हमारा एसी। या टेन 60 अंश का मान होता है वर्गमूल 3/2 बराबर बीसी का मान हमारे पास हमने ज्ञात किया है 6/3 AC। या AC का मान हम तिर्यक गुणा करेंगे और 6/3 × 2 और इसका पक्षांतर करेंगे वर्गमूल 3 का, तो वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 कट जाएगा और एसी का मान हमें प्राप्त होगा एसी बराबर 12 मीटर। अब अतः पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई जो है वो बीसी धन एसी है। तो बीसी हमने ज्ञात किया 6/3 मीटर, धन एसी का मान हमने ज्ञात किया 12 मीटर। बीसी का मान हमने 6/3 ज्ञात किया था, धन एसी का मान 12 मीटर। यहाँ पे हम दोनों पदों से 6 को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो कोष्टक में हमारे पास वर्गमूल 3 × 2 मीटर। इस तरह से हमने पेड़ की ऊंचाई ज्ञात की 6 × 3/2 मीटर। तो यह इस उदाहरण का हल होगा।